गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज। आज हम एक और क्लास आपके लिए लेके आए हैं। हमने एक टाइप की थी परसेंटेज में जिसमें एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन की कुछ बात हो रही थी। तो वहां पे हमने एक रिलेशन समझा था, उसे हम एक बार देख लेते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। आई होप वो वाली वीडियो सबने देखी होगी, ठीक है। तो जिसने नहीं देखी उसके लिए हम वो वीडियो का लिंक जो है ना इसके साथ ही अटैच कर देंगे, तो वो देख लेना। अब क्या है कि वो रिलेशन क्या था कि जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर। हमने समझा था कि प्राइस आप समझते हैं, कंजम्पशन माने खपत, आपकी खपत क्या है। आप प्राइस को अपनी कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने खर्चा, एक्सपेंडिचर माने खर्चा। इसमें हमने पहली टाइप देखी थी। पहली टाइप में क्या था, पहली टाइप हमारी वो थी जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर क्या था, फिक्स। एक बार उस टाइप को देख लेते हैं कि जिसमें हमारा एक्सपेंडिचर क्या था, फिक्स। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स था तो आपको एक चीज बताई गई थी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी, डिक्रीज, या अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज। इसे हम कहते हैं कि जो प्राइस और कंजम्पशन थे वो आपस में क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। तो उस केस में था क्या कि जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो क्या था, फिक्स। अब इस अगले केस में देखते हैं जहां पे हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स नहीं है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको समझाते हैं। आप देखिए, अब देखिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होता है, राइट। अब इसमें सिनेरियो क्या है, हमें क्या कह दिया जाएगा, हमें ये कह दिया जाएगा कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल का जो प्राइस है कुछ 10% से बढ़ गया। एक क्वेश्चन है नॉर्मल कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल का प्राइस जो है वो 10% से बढ़ गया और हमारी जो कंजम्पशन है वो हमने 10% से क्या कर ली, डिक्रीज। पहला केस हम ले रहे हैं कि जिसमें हम अपनी कंजम्पशन जो है वो 10% से क्या की, डिक्रीज। हमसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पे आपके क्या फर्क पड़ेगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा या कितने परसेंट डिक्रीज होगा। भाई देख लो कि इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस वीडियो को देख लो कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो कि प्राइस बढ़ा है कितने परसेंट से 10% से। अब वो 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहती है, 1/10। और जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है तो हम क्या लगा लेंगे, प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा पहले प्राइस कुछ 10 parts था तो बढ़ कितना गया, 1 part। अगर 10 part वाली चीज 1 part बढ़ जाएगी तो वह 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो ये रेशो आ गई किसकी, प्राइस की। किसकी रेशो आ गई, प्राइस की, जिसमें ये 10 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल प्राइस को, और ये 11 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल प्राइस को। यही बात हुई। तो ये हमारे पास रेशो आ गई प्राइस की, तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, पी। अगली चीज, दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारी क्या हुई, 10% से डिक्रीज। बात फिर वही कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी फिर 1/10। बट यहां पे क्या है, डिक्रीज। अगर डिक्रीज है तो क्या आएगा, माइनस। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी पहले कंजम्पशन कुछ 10 parts थी तो कम कितनी हुई, 1। अगर 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 9। तो ये भाई 10 किसे रिप्रेजेंट करेगा, हमारी पहले की कंजम्पशन को, और ये 9 किसे रिप्रेजेंट करेगा, हमारी बाद की कंजम्पशन को। तो ये रेशियो किस चीज की आ गई है, कंजम्पशन। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा ये गया था कि एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, तो दोनों पे डिपेंड करता है, प्राइस और कंजम्पशन दोनों पे डिपेंड करता है, कौन, एक्सपेंडिचर। अब समझो किस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो हमारे पास पहले प्राइस कितना था, 10। जब हमारे पास प्राइस 10 था ना तो उसके नीचे कंजम्पशन कितनी थी, 10। भाई अब समझो कि एक आर्टिकल है वो 10 रुपए का है और आप ऐसे 10 articles लेकर आ रहे हैं तो आपका टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल खर्चा कैसे आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल को।
ये क्या हुआ इनिशियल प्राइस, ये क्या हुई इनिशियल कंजप्शन, ये क्या हुआ फाइनल प्राइस, ये क्या हुई फाइनल कंजप्शन। ठीक है, तो पहले प्राइस था 10 पार्ट्स, कंजप्शन थी 10 पार्ट्स, तो टोटल खर्चा कितना था कुछ 100 पार्ट्स। आज प्राइस कुछ 11 पार्ट्स है, कंजप्शन 9 पार्ट्स है, तो टोटल खर्चा कितना है 99 पार्ट्स। पहले खर्चा कितना हो रहा था 100, अब कितना हो रहा है 99, तो बढ़ा या कम हुआ डिक्रीज हुआ एक का, किस पे 100 पे, तो इनटू कर देंगे 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1% का डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगा कि जो हमारा नेट इंक्रीज या डिक्रीज एग्जामिनर ने पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का होगा, तो हमारा आंसर आएगा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 1% से क्या हो जाएगा डिक्रीज। ये पहली टाइप थी जिसमें हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन क्या हुई डिक्रीज। दूसरी टाइप हम इसी में ही देख लेते हैं, इसे समझ लेना, अगर ना समझ आए तो वही रिकॉर्डेड वीडियो एक बार दोबारा देख लेना इसे। अब अगला क्वेश्चन ये है जिसमें हमारा प्राइस भी बढ़ जाएगा कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, दोनों बढ़ा के देख लेते हैं। अब देखो हुआ क्या कि एग्जामिनर ने कहा कि जो आपका प्राइस है, प्राइस कुछ 16.2/3% से बढ़ गया, और जो आपकी कंजम्पशन है, कंजम्पशन कुछ 14.2/7% से बढ़ गई। जो यहां पे परसेंटेज वैल्यूज है ना, यहां पे फ्रैक्शन वैल्यू लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे जाकर हमें पता लगेगा कि फ्रैक्शन वैल्यूज हमें क्यों पता होनी चाहिए, राइट। अब देखो कि 16.2/3% प्राइस बढ़ा है, कंजम्पशन 14.2/7% से बढ़ी है, पूछा क्या गया है कि एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, बता देंगे भाई। एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, दोनों चीजों पे, किस पे, प्राइस पे और कंजम्पशन पे। प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा, 16.2/3% से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था 1/6, अगर बढ़ा है तो प्लस है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस होता। तो इसका मतलब अगर पहले 6 पार्ट्स था, एक पार्ट बढ़ने के बाद कितना हो गया 7, तो ये 6:7 एक रेशियो आई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइस को, जिसमें 6 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्राइस को, 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल प्राइस को। आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको। दूसरी चीज जिस पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन बढ़ी है कितने से, 14.2/7% से, 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7, बढ़ा है तो प्लस है, इसका मतलब अगर पहले 7 था तो कितना हो गया 8, ये 7:8 किसकी कंजम्पशन की। ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल प्राइस को, ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल प्राइस को, ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंजम्पशन को, और ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल कंजम्पशन को। देखिए इनिशियल प्राइस कितना था 6, कंजम्पशन कितनी थी 7, तो टोटल खर्चा कितना था 42। अब प्राइस कितना है 7, कंजम्पशन कितनी है 8, तो अब खर्चा कितना हो गया 56, पहले कितना था 42, हो कितना गया 56, बढ़ा कितना 14, किस पे बेस क्या है, हर एक परसेंटेज का एक बेस होता है, किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं भाई, प्रॉफिट आता है किस पे आता है कॉस्ट प्राइस पे, तो वही है कि बढ़ा कितना 14, किस पे बढ़ा 42 पे, इनटू 100 इज 1/3, सो हमारा आंसर आ जाएगा 33.33% इंक्रीज। तो यहां पे हम लगाएंगे 33.33% का क्या होगी बढ़ोतरी, किसमें हमारे एक्सपेंडिचर में, इसे मार्क करेंगे और हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसकी अगली टाइप देख लेते हैं, हमने पहले देखा कि प्राइस बढ़ा कंजम्पशन डिक्रीज हुई, अब प्राइस बढ़ा कंजम्पशन भी बढ़ी, एक केस और देख लेते हैं जिसमें हमारे पास प्राइस भी कम होगा कंजम्पशन भी कम होगी, देख लेते हैं अभी। ये देखो जो प्राइस है, एग्जामिनर ने कहा कि प्राइस आपका 12.5% से कम हो गया, 12.5% से क्या हो गया कम, ठीक है भाई। दूसरी बात आ गई कंजम्पशन की, कंजम्पशन जो है एग्जामिनर ने ये कहा कि वो 14.2/7% से क्या हो गई कम। अब प्राइस भी हो रहा है कम, कंजम्पशन भी हो रही है कम, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमसे पूछ लिया जाएगा, और हम बताएंगे कैसे। प्राइस बढ़ा प्राइस डिक्रीज हुआ 12.5% से, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, डिक्रीज है तो माइनस, यहां पे भी डिक्रीज है तो माइनस, इसका मतलब पहले 8 था तो कितना रह गया 7, यहां पे पहले 7 था तो कितना रह गया 6।
अब देखिए ये रेशो आ गई प्राइस की, ये आ गई कंजम्पशन की। पहले प्राइस था 8, तब कंजम्पशन थी 7, अब प्राइस है 7 तो कंजम्पशन है 6। जब प्राइस आपका एक आर्टिकल आपको 8 रुपए का मिल रहा है और आप ऐसे 7 आर्टिकल ले रहे हैं तो आपका खर्चा कितना होगा? 7 × 8 विच इज 56। दूसरे केस में प्राइस कितना रह गया? 7। अब आप आर्टिकल कितने ले रहे हैं? 6। तो 7 आर्टिकल, 7 रुपए आर्टिकल का प्राइस है, 6 आर्टिकल ले रहे हो, कितना खर्चा होगा? 42। पहले कितना हो रहा था? 56। अब कितना हो रहा है? 42। कितने का डिक्रीज? 14। किस पे? 56 पे इनटू 100। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास नेट? 25% का क्या होगा? 25% का क्या होगा? ठीक है, तो ये दूसरी टाइप थी किसकी? एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन की। इसकी एक और टाइप है, तीसरी टाइप है, अगली वीडियो में जो है हम वो टाइप अपलोड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वीडियो को केयरफुली देखना। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो भाई इसे लाइक कर लेना और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।